बैग आई डी लेवल, डेटा बैग आई डी स्टेटस स्टेटक्स, ठीक है। ये आपके कॉमन बार है जो हर स्क्रीन पर आपको मिलेंगे, ठीक। डेटा के अंदर अगर आप जाओगे तो डेटा के अंदर आप चेक कर पाओगे कि लाइव वेट, मतलब बैग जो लगा हुआ है उसमें क्या वेट है, और ये वो है जो जब बैग डिस्चार्ज करता है वो वेट। ये फोर डिस्चार्ज का बटन है, जैसे कि तुम्हारा बैग कम वेट का भरा हुआ है और उसको तुमको डिस्चार्ज करना है तो दोबारा से साइकिल चला के उसको करेगा। जैसे कि एक नंबर है, अब अपन एक नंबर में क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। मैंने ये बटन दिया है फोर डिस्चार्ज इनेबल का पैरामीटर के अंदर, अभी मैंने इसको एक नंबर कर दिया, ये चला गया, ठीक है। मेरे को अभी ये चेक करेंगे अपन कि हमारा फोर डिस्चार्ज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इनिशियल में अपन इसको ये पैरामीटर जस्ट टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ मैं, एक बैग लगाना एक नंबर पे। रीसेट करो, रीसेट ऐसे नहीं, ए पैड बटन वाला बस हो गया। अभी हमारा, अभी इसमें पैरामीटर में एक तो ये था कि इनेबल कर दिया, पैरामीटर में भी मैं बता देता हूँ। ये सारे पैरामीटर, जैसे ये सब सेट पॉइंट हो गया, कितना वेट लेना है, ये प्रीसेट हो गया जो फाइन वेट कोर्स फाइनिंग का रहता है, कोर्स फीड एरिएशन फाइन फीड एरिएशन, मतलब सेट पॉइंट 0 से लेके 30, मतलब जब तुम्हारी साइकिल चलेगी तो जब तक 30 किलो वेट नहीं आ जाएगा तब तक एयर चलेगी और उसके बाद एयर बंद हो जाएगी। उसके बाद क्या है, 50 माइनस 3 47, 47 किलो होगा वेट, फिर तुम्हारी एयर चालू होगी जब तक वेट रहेगा तब तक। ये पॉजिटिव टॉलरेंस रेंज है, ये ऑटो करेक्शन की रेंज है, मैक्सिमम कितना रहेगा, डिफॉल्ट रहेगा 2 kg। ये नेगेटिव टॉलरेंस, डिफॉल्ट इंटरनल करेक्शन वैल्यू, ये कुछ नहीं करना है, इसको 0 रहेगी। मैक्सिमम एम्प्टी वेट मिनिमम, ये खाली चेयर पे 5 और -5 रहना चाहिए, अगर इसके ऊपर नीचे वेट रहा तो ये साइकिल चालू नहीं होगी। स्टॉप टर्बाइन वेट के जी, मतलब आपको सब पैरामीटर सेट कर लिए फिर भी वेट तुम्हारा 52+ मार रहा है, 50+, तो ये मोटर को थोड़ा पहले बंद कराने के लिए, तो वेट के बेस पे करना पड़ेगा। 52 पे कर रहे तो मतलब 50 केजी कर दो। आज जैसे 50 केजी सेट पॉइंट है, यहाँ पे अगर तुमने 2 किलो डाल दिया तो 48 केजी पे मोटर बंद हो जाएगी। 2 के 50 से माइनस करना पड़ेगा, सेट पॉइंट से माइनस करना पड़ेगा। लॉस कंपनसेशन, अगर तुम्हारा वेट कम जा रहा है उधर तो यहाँ पे इसको तुम बढ़ा दो, कम दिखा रहा है वहाँ पे तो -0.2 डाल दो, तुम्हारा वेट मैच हो जाएगा स्क्रीन। ये वाला जो फिजिकल चेक करते हैं, इसका कंट्रोलिंग से कोई लेना देना नहीं है, ऑटो करेक्शन के केस में लेना देना है कि जो वेट है HMI पे और वहाँ का ऑलमोस्ट मैच होना चाहिए। क्लीनिंग टाइम 0.1 ये फिक्स रहेगा, सीक्वेंस स्टार्ट डिले 0 रहेगा, टेयर स्टेबलाइजेशन टाइम 0.5 फिक्स रहेगा, इजेक्शन डिले 0 रहेगा। ये इजेक्शन डिले है, डिले थोड़ा आगे कराना है तो, जैसे एनकोडर के केस में तुम लोग कह रहे थे कि भाई मेरा बैग पहले इधर गिर रहा है, मेरे को थोड़ा सा आगे करना है, अभी कह रहे थे ना कल कि सारे बैग थोड़े पहले गिर रहे हैं तो आगे गिराना है तो यहाँ पे थोड़ा डिले दे सकते हो, 0.1 डाल दोगे तो 100 मिलीसेकंड बाद गिराएगा बैग। इनकोडर केस में, सबके केस में, तो वाले में भी सबके केस में,
जैसे 16 के 16 तुम्हें लगते हैं कि थोड़ा पहले गिरा रहा है, हमको थोड़ा बाद में गिरा रहा है, तो थोड़ा बाद में गिरा रहा है तो यहाँ पे टाइम डाल दोगे तो वो उतनी देर बाद और गिराएगा। पहले गिराने का प्रोविजन नहीं है, बाद में गिराने का प्रोविजन है। ये इजेक्शन टाइम कितनी देर के लिए चेयर बाहर निकलनी है, ये 0.8 से 1 सेकंड मैक्सिमम, 0.8 सेकंड है, 800, 0.8 800 मिली सेकंड, 0.8 800 मिली सेकंड या 1 सेकंड। टर्बाइन रन के लिए 0 रखना है, मोटर लेट स्टार्ट नहीं करती है, ये फिक्स रहेगा। ये बैच स्टार्ट चेक वेट और बैच स्टार्ट चेक टाइम, 3 सेकंड में 5 किलो माल आना चाहिए बैग के अंदर चेकिंग के लिए। हाँ, ये नॉर्मल फ्लो का बिहेवियर बताता है। 3 सेकंड में अगर 5 किलो माल बैग के अंदर नहीं आया, इसका मतलब है कि आपका बैग फ्लो सही नहीं है, फ्लो सही नहीं, कहीं पे लीकेज है या बैग का कुछ भी हो सकता है, या साइकिल को बंद कर देगा। ये अभी चेक करें, 30 सेकंड नॉर्मल साइकिल रहती है, ठीक है। एक्स्ट्रा डोजिंग, ये 2 बार आ गया इसमें, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, ऐसे के ऐसे रहेंगे, इसका अपना कोई काम नहीं। ये ऑटो प्रीसेट इनेबल, ये 0 रहेगा, ये आपका 1 रखना है। रीफिल स्टॉप टर्बाइन वेट केजी, जैसा अभी सेट पॉइंट 50 है और 2 है, अभी हमारा वेट कितना है, सेट पॉइंट 28, तो सेट पॉइंट 50 है और ये हमने 2 केजी डाल रखा है, जैसे इसके नाम से भी तुम समझ रहे होगे, नाम से समझ रहे होगे, रीफिल स्टॉप टर्बाइन वेट केजी, मतलब रीफिलिंग के केस में तुम्हारे को मोटर चलानी है कि नहीं चलानी है, तो 50 माइनस 2 48 kg से नीचे वेट रहेगा तो मोटर चलेगी, और नहीं रहेगा तो मोटर नहीं चलेगी, खाली गेट से फिलिंग होगी। 2 आपने किया मतलब 50 से कैलकुलेट करेगा, ये 50 से करेगा, सेट पॉइंट से करेगा, जो भी करेगा। ऑटो करेक्शन इनेबल, ये ऑटोमेटिक वेट कंट्रोल कर रहा है, 1 करोगे 0 कर दोगे नहीं करेगा। रीफिलिंग इनेबल, जैसे अभी लटक गया तो ये अपने आप भरना चाहिए था, ये हम अभी चेक करेंगे काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम फोर डिस्चार्ज का चेक करेंगे, अब मेरा वेट लटक गया, ठीक है। तो कभी भी तुम्हारा मटेरियल नहीं आता, बैग लटक जाते हैं, तो तुम ये बटन दबाओगे, तुम ले सकते हो। ये 30 सेकंड का नॉर्मल टाइम है, 5 सेकंड लिया है तो वापस से ये हो गया, यहाँ से हम लोग इसको आप भर सकते हो, मतलब बैग फाड़ने की जरूरत नहीं है तुमको। अब ये तब तक यहाँ 50 ना जाए, वो एक बार में ही ले लेगा 30 सेकंड में, अभी तो क्या है कि 5 सेकंड कर दिए ना मैंने। मैं बताता हूँ, एक बार ये बैग हटा दो, बैग हटा दे, ये बैग हटा दे, हाँ निकाल दे, बैग निकाल दो, बैग सही है ये, ऐसे मैंने यहाँ स्टैंडर्ड कर दिया 37, ठीक है। 30 किलो में भी साला माल भर देगा, बैग लगाना, एक बैग नंबर लगा, ये बंद हो गया, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मल देखा हो ना, इस पे रुकता है कभी कभी आप लोगों का, सेट पॉइंट तक काम करेगा ये। हाँ, अगर सेट पॉइंट से ऊपर तब भी तब काम नहीं करेगा ना, सेट पॉइंट मान लीजिए ये 50 हो गया, मैं तब 12 इंच रेंज के अंदर आ गया तो बटन काम नहीं करेगा, फिर काम नहीं करेगा। हाँ, रेंज के अंदर रहेगा तो बैग गिर ही जाएगा अपने आप, भर गया अभी आराम से गिरा देगा, ठीक। अब एक बार इस बैग को हटा दे, अब एक बार हमारे को रीफिलिंग का और चेक करवाना है,
निकाल दिया। लगा बैग, लगा लगा दे भाई। चालू हुआ साइकिल, एक केजी पे दिया आपने, ये साइकिल बंद हुआ था फिर चालू हुआ, फिर वापस चालू हुआ। एक केजी डाला क्या आपने? एक केजी का सेट पॉइंट डाला इसमें? सेट पॉइंट नहीं डाला, एक सेकंड डाला था क्या? अभी जो आपने एक डाला था, नहीं देते वो ध्यान तो दिया था वो एक क्या केजी पे काम है? नेवल जीरो ने बंद किया था, जीरो पे ऑफ रहता है, वन पे नेवल है। मतलब अभी ऑन है, रिफिल के लिए दोबारा कमांड मिलेगा। मतलब ये है कि अगर तुम्हारा बैग नहीं भरता है किसी भी रीजन से, तो इस फीचर के थ्रू आपका ऑटोमेटिक भर जाएगा। फिर भी नहीं भरता है तो तुम्हारे पास एक ये बटन है फोर्ड वाला, ये एक ही बार काम करेगा, दूसरी बार भी काम किया अपना करेगा। तीन बार दबाया था पहली बार? नहीं नहीं, ये तो किया था जब भी एक डाला ना, दोबारा एक बार चालू हुआ, एक बार हो गया उसके बाद काम नहीं करेगा। दोबारा एक ही बार साइकिल चलेगी, एक बार चलेगी, दोबारा में नहीं चलेगी, चाहे वो भरे या ना भरे। दोबारा में अगर नहीं भरता है तो तुमको फिर इससे करना पड़ेगा, ठीक है? इससे जैसे तुम्हारा सेट पॉइंट 50 है और तुमने 1 किलो प्लस डाल रखा है, रेंज 51 kg, और तुम्हारा वेट आ गया है 51.1। अब तुम क्या करोगे? 0.1 या तो बैग फाड़ोगे, गिरेगा तो है नहीं, या रीसेट करके गिराओगे। उस केस में फोर डिस्चार्ज का बटन प्रेस कर देना, अपने आप जाके बेल्ट पे गिर जाएगा, तो तुमको फाड़ने की जरूरत नहीं है। इन सब फीचरों के थ्रू तुम्हारा बैग बस्टेज बचेगा बहुत ज्यादा। उसका बस ये तो नहीं कि उस टाइम बैग को सेंटर लाना हो, यहाँ पे कमांड दे दो, जब भी बेल्ट आएगा जहाँ पे भी हो, जब बेल्ट जहाँ भी आएगा अपना वो गिर जाएगा, ठीक है? फोर डिस्चार्ज कर दो, जहाँ मर्जी है जाएगा बेल्ट, जो सा बेल्ट पहले मिले वहाँ डिस्चार्ज हो जाएगा। इसमें पैरामीटर के अंदर में किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। इसको दबाओगे तो खाली है तो पहले भरेगा तभी गिरेगा। तुम्हारा बैग तो गिरेगा तभी जब तुम्हारी टॉलरेंस लोअर रेंज को अचीव कर लेगा। अगर तुम्हारा लोअर रेंज का वेट नहीं आया रेंज में, तो बैग तुम्हारा गिरेगा ही नहीं ऑटोमेटिक। फिर तुमको 10 बार दबा दबा के भरना पड़ेगा, और अगर 10 बार में नहीं भर रहा है ना, तो फिर मैकेनिकल वालों को पकड़ लेना कि माल नहीं आ रहा तुम्हारे से, और उससे पहले प्रोसेस वालों का कि ऊपर से माल नहीं आ रहा है, ठीक है? तो प्री सिलेक्शन की स्क्रीन पर आ जाते हैं वापस, ठीक है? डेटा वाली स्क्रीन समझ में आ गए। इसके बाद आते हैं बैग आईडी में। ये बैग आईडी का स्टेटस है जो हम दो तरीके के बैग लगाते हैं, जैसे कल चला रहे थे नेपाल और इंडिया वाला। तो इसमें क्या है, जब ये प्लेसिंग पॉइंट पर आ जाएगा तभी ग्रीन हो जाएगा, और इसका प्लेसिंग पॉइंट का जो एंगल है, जैसे मैं कल बता रहा था, जवाहर को बता दिया था, कभी गलती से तुमने इसकी मेन पीएलसी की सप्लाई बंद कर दिया, फिर सेटिंग वापस करनी पड़ेगी। एंगल तो ये काम कैसे करता है कि यहाँ आते ही ये समझ लेता है कि मैं टेंशन पे पहुंच गया, ठीक? अब ये 4 सेकंड वेट करता है कि बैग लगा कि नहीं लगा। 4 सेकंड का मतलब ऑलमोस्ट यहाँ तक हो गए। 4 सेकंड में अगर इसको बैग मिल गया लगा हुआ, तो ये कंटिन्यूस ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो रीसेट कर देगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होता, तुमने बैग लगाया, बैग नहीं लगा और लीवर दब गया, तो 4 सेकंड के अंदर लीवर दबा और चला भी गया, तो भी वो 4 सेकंड के बाद में उसको मान लेगा कि बैग नहीं लगा, रीसेट करना पड़ेगा। नहीं, अपने आप रीसेट करता है। बैग आईडी के केस में तुमको किसी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैग आईडी के केस में बैग आईडी चलाने से पहले सारे नोजल खाली होने चाहिए, इनेबल करने से पहले, और जब बैग आईडी बंद कर रहे हो तब भी तुम्हारा तब भी तुम्हारे सारे बैग गिर जाने चाहिए, उसके बाद डिसेबल होना चाहिए, ठीक है? ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। इसको प्रेस करोगे, ये जो बटन है, ये बैग आईडी इनेबल हो गया। ये तभी चालू करना है जब दोनों सारे बैग खाली हो, बैग नहीं लगे, और जब बैग सारे गिर जाए तभी डिसेबल करना है।
ये नॉर्मल उसके लिए है ठीक। और ये इनकोडर ये तभी काम करेगा जब इनेबल रहेगा। ये जो है बटन लाइन में तभी आएगा जब ये एनकोडर से बैक गिरेंगे, तो ये चालू होना चाहिए, उसी कंडीशन में तुम इसको चालू कर सकते हो। अगर ये डिसेबल कर रखा है और ये है तो रॉन्ग वैल्यू मिलेगी, तुम्हारे बैग कहीं भी कैसे भी गिर सकते हैं, काम भी करेगा नहीं करेगा, करेगा तो है ही नहीं ठीक है। ये सिंगल बेल्ट इनेबल, ये सिंगल बेल्ट इनेबल है कि तुम्हारा सिंगल डिस्चार्ज चल रहा है, एक ही डिस्चार्ज लाइन चला रहे हो, तो ये अभी 2.5 आरपीएम पे चलता है 4800 बैग पर आवर पे। तो जब सिंगल में चला रहे हो तुम तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 4760 है, सत्तावन सौ साठ मतलब 5761 भी नहीं डाल पाओगे तुम। ये दे रहा 0 से 5760 इसकी रेंज है, तो 5760 में ये 3 RPM पे चलेगा। तो अगर तुमको सिंगल पे RPM बढ़ाने हैं तो तुम बढ़ा सकते हो। ये कब लाइन में आएगा, जब तुम्हारा ये बटन इनेबल होगा। अगर गलती से तुमने ये इनेबल छोड़ दिया और दोनों डिस्चार्ज लाइन चली तो ये वापस से 4800 पे आ जाएगा। तो हमेशा इसको जब भी चेक करते हो तो इसको तुमको बंद करना है। जैसे ही इसको तुम बंद करोगे ये 4800 अपने आप ले लेगा, मतलब तुम गलती से भी डबल डिस्चार्ज पे 4800 से ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन 4800 आने के बाद सिंगल में तुमको RPM बढ़ाना तो हमेशा वैल्यू डालनी पड़ेगी ठीक है। और ये जो सिंगल चलता है ये सिलेंडर पे काम करेगा, इनकोडर पे काम करेगा, दोनों पे करेगा? इसका सिर्फ पैकर के रोटेशन से लेना देना है, डिस्चार्ज से इनकोडर पे चलेगा उसको चलेगा। इस केस में तुम्हारे को दिक्कत ये होगी कि स्पीड बढ़ेगी तो तुम्हारे बैग आगे गिरेंगे इनर्सिया की वजह से ठीक। ये बटन क्लियर हो गए, डाटा क्लियर हो गया, बैग आईडी स्टेटस क्लियर हो गया। अब आ गया स्टेटस, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर में तुमको बैग के काउंट दिखाई देंगे कि कितना स्पाउट में कितना बैग डिस्चार्ज हुआ। जैसे अभी 392 मैंने रीसेट किया तो 392 बैग डिस्चार्ज हुए। इसको रीसेट करोगे तो प्रीवियस डे में वैल्यू चली जाएगी 392। जैसे कि आज बैग काउंट हुआ और तुम कल चालू कर रहे हो, तुमको देखना है कि मेरी गाड़ी में बैग कितनी देर में लोड हो रहा है या क्या है, जो भी चेक करे। इस बटन को एक बार प्रेस दबाओगे तो प्रीवियस डे में वैल्यू चली जाएगी, काउंट जीरो हो जाएंगे, फिर वापस से चले जाता बॉल, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ठीक है। तो स्टैटिक्स की स्क्रीन में सिर्फ इतना ही है इस स्क्रीन में। टोटल कितना बैग डिस्चार्ज हुआ है, फिर वहाँ से रीसेट करोगे। जैसे रीसेट कर दोगे तो ये जो वैल्यू उस दिन की थी वो प्रीवियस डे के इसमें आ जाएगी, 24 घंटे तक रहेगी जब तक रीसेट नहीं। हाँ, तो दूसरे दिन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी ठीक। इसके बाद में रीसेट से रीसेट होगा, पैकर का कोई भी फॉल्ट आता है तो फिल पैक इंचिंग, मतलब जब तक दबा के रखोगे मैनुअल के केस में तब तक इंचिंग में चलेगी। स्टार्ट स्टॉप ये बटन सेम ही है। ये स्टॉप का हो गया। अब आते हैं मैनुअल ऑपरेशन पे। मैनुअल ऑपरेशन में ये सब बटन कोई काम के नहीं है, फिलिंग मॉड्यूल ही काम का है। इसके अंदर में सिंपल सा है, जिस स्पाउट का मेंटेनेंस हमारे को करना है, 2 नंबर 16 कर लो, वो स्पाउट नंबर हमको डालना है। डल गया? हाँ, 16 डल गया। हाँ, स्पाउट डालने के बाद मैनुअल मोड को ऑन करना है ठीक है। उसके बाद तुमको जो ऑपरेशन करना है वो कर सकते हो, जैसे कि होल्ड ऑन, वो उधर भी देखो हुआ सिलेंडर ऊपर नीचे ठीक है, चेयर आउट। ये मेंटेनेंस वालों के लिए, गेट की ओपनिंग इससे हो जाएगी, कोर्स फाइन ठीक है, मोटर चला के चेक करनी है, एरिएशन चेक करनी है,
ठीक है। फिलिंग ऑन के केस में तुम्हारी फाइन कोर्स मोटर, मतलब गेट भी खुलेंगे मोटर भी चलेंगे जैसे, ठीक। वॉल्यूमेट्रिक टेस्ट है, 9 सेकंड में 55 किलो माल आना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो राउंडिंग होगी होगी कुछ भी हो जाए। नौ सेकंड में 55 किलो माल आना चाहिए, 55 किलो, ठीक। ये है आप जैसे, अब तुमको चेक करना है कि कभी तुम्हारे ये बटन काम नहीं कर रहे, ये 16 नंबर का रीसेट वाला बटन दबाओ, देख रहा है। सप्लाई ये स्टोव वाला ऑफ करो, ठीक है, बंद करो, ऑन कर, ये हाँ ऑन छोड़ दो, ठीक है। ऐसे ही जब तुम्हारा बैग होल्डिंग की प्रॉक्सी मारोगे तो ये सिग्नल आएगा, डिस्चार्ज होगा तभी आएगा। थोड़ा आगे ले ले इसको, थोड़ा आगे ले ले, वो काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, रुक 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 रुक, उधर काम कर रहे हैं। 15 नंबर का एक और चीज, जब भी ऑपरेशन हो जाए तो हमेशा इसको ऑफ करना, अगर ऑफ नहीं करोगे तो ये मिसबिहेव करने लग जाएगा ऑटो के केस में। 15 नंबर आप करना, 15 का लीवर मार दो, दबा के रखना लीवर, दबा के रखना, ठीक है। बैग होल्डिंग, बैग डिस्चार्ज प्रॉक्सी, बैग डिस्चार्ज प्रॉक्सी का तो आया नहीं, वो तो डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा तो डिस्चार्ज करेगा तब आएगा। मोटर ओवरलोड तुम्हारा एमपीसीबी का है, एमपीसीबी ट्रिप करोगे ना उसका है, ठीक है। मतलब ये इसलिए दिया है, पांच ऊपर बंद करेगा, चेक करा लो, 15 नंबर का चेक करा रहे, कर लो एक बार, बंद कर दे, नहीं है।